आई एम गोइंग टू मेक चिकन कोरमा। कोरमा एक बहुत ही लजीज डिश होती है, आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में 100 ml तेल डालूंगी। ये मेरा 1 कप तेल है जो कि 100 ml है, और इसे हाई फ्लेम पर हीट करना है। मेरा तेल गर्म हो गया है, अब मैंने इसमें 2 मीडियम साइज की प्याज बारीक कटी हुई इसमें फ्राई करके इसकी बिरयानी बनाऊंगा। इसे तब तक फ्राई करना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। ये देखें मेरी प्याज फ्राई हो गई है, अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूंगी। अब मैं इसमें कुछ गरम मसाला दे रही हूँ, जिसमें ये गरम मसाला है जिसमें 2 तेज पत्ता, 8 लौंग, 2 दालचीनी, 6 छोटी इलायची है। ये मेरा 1 kg चिकन है जिसे मैंने धो के इसका पानी छान लिया है, अब मैं इसमें डालूंगी। अब देखिए इसका पानी बिल्कुल सूख गया है और ये फ्राई हो गया है। अब मैं इसमें मसाले ऐड करूंगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 4 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। ये 3 टेबल स्पून धनिया पाउडर है। ये मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर और 2 टेबल स्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दें। ये मैं इसमें 1 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट डालें। और मिनट इसे फ्राई कर लें। ये मैंने 100 ml दही लिया है, अब इसमें ऐड करें। यहाँ पर मैंने 10-15 काजू और 10-15 बादाम का पीस कर मिक्सी में ये पेस्ट बनाया है, अब इसमें ऐड करें।
अब आप देख रहे हैं ये बिल्कुल फ्राई हो गया है, इसमें तेल जो है ये ऊपर तक आ गया है। अब इसमें एक कप पानी डालेंगे और इसे 90% पकने के लिए रख देंगे। इसे मीडियम फ्लेम पे रखना है 15 मिनट के लिए। 15 मिनट बाद फिर मैं इसे चेक करूंगी। मेरा चिकन 90% गल के तैयार हो गया है। अब मैं इसे खोलूंगी। मैंने जो प्याज फ्राई किया था उसको मैंने मिक्सी में हल्का दरदरा पीस लिया है। अब मैं इसमें ये ऐड करूंगी। आप चाहें तो ये से हाथ से चूर कर भी दे सकते हैं। और ये मैंने घर में गरम मसाला बनाया था, इसमें लौंग, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, जायफल, जावित्री और दालचीनी है। ये मैं एक चम्मची ऐड करूंगी। अब ये सबको मिक्स कर देना है। इसे 10 मिनट और हल्की आंच पर पका, इसे हल्की आंच पर रखने दें जब तक से मीट टेंडर नहीं हो जाए। ये मेरा चिकन अब पक के तैयार हो चुका है। ये देखें आप, उसने इसमें 1/2 टीस्पून केवड़ा वाटर डाल रही हूँ। अब मैं इसे खाने के लिए सर्व कर रही हूँ। ये मेरा चिकन तैयार हो गया है। मैंने इसे डिश में सर्व कर दिया है। अब मैं इसे गार्निश कर रही हूँ। ये मैंने जिंजर जूलियन है और ये हरा धनिया। चिकन कोरमा बन के तैयार हो चुका है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल अलवियाज किचन।